हल्द्वानी में खुलेआम शराब पीने वाले शराबियों और अपने दुकानों में शराब पिलाने वाले दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया है। ऑपरेशन इवनिंग स्ट्रीम के तहत सीओ भवाली और सीओ लालकुआ के नेतृत्व में कालाडूंगी रोड हल्द्वानी बाजार क्षेत्र में चेकिंग की गई। इस दौरान अवैध रूप से अपने संस्थानों में शराब पिलाते हुए कई लोग पकड़े गए, साथ ही कई शराबी भी मिले। पुलिस ने सभी का चालान काटा, दुकान स्वामियों को चेतावनी भी दी। एसपी सिटी हरबंस सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान 50 लोगों का चालान किया गया। एसपी सिटी ने शहर को नशा मुक्त बनाने की अपील की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये आज पूरे शहर क्षेत्र में दो टीमों का गठन किया गया है। सीओ लालकुआ और सीओ ऑपरेशन के नेतृत्व में दो टीमें लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं, जो अवैध रूप से लोगों को शराब पिला रहे हैं और जो लोग शराब पी रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।